पहला रिएक्शन ब्रजेश जी आपका। देखिए उत्तर प्रदेश राज्य में हम अपराध और अपराधियों के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति के स्टैंड पर कायम है। हर स्थिति में हम उत्तर प्रदेश में कानून के राज को मेंटेन करेंगे और मजबूत करेंगे। इस घटना को सरकार ने गंभीरता के साथ लिया था। हर स्थिति में एक एक अपराधी को हम पकड़ेंगे और कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाए जाने का काम करेंगे। ये जो आज की घटना है इसका भी विस्तृत विवरण हमारे पास आ रहा है, एक घंटे में बता पाएंगे, लेकिन इसमें क्या क्या हुआ स्टेप बाय स्टेप वो अभी एक घंटे बताएंगे। लेकिन एक एक अपराधी को उमेश पाल हत्याकांड में पकड़ करके कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम हमारी सरकार कर रही है। कुछ जानकारी तो सामने आई, आपको लगता है कि इन लोगों को सरकार की तरफ से पर्याप्त अवसर दिया गया था अपने आप को कानून के सामने रखने का, कोई रास्ता इन्होंने छोड़ा नहीं? काफी समय हो गया है और पुलिस प्रशासन की जवाबदेही है कि एक एक व्यक्ति को वो कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाए, और हम लोग काफी लंबे समय से इनको ट्रेस कर रहे थे और ये तरह तरह का खड़े रच करके गायब हो रहे थे, और आज एसटीएफ को यूपी पुलिस को बड़ी सफलता मिली। अभी परिवार का भी, उमेश पाल के परिवार का भी रिएक्शन है, उन्होंने कहा कि हमें हमारे साथ न्याय हो रहा है और हम ये मान रहे हैं। देखिए उमेश पाल परिवार के साथ में हमारी पूरी सरकार खड़ी है, वो पीड़ित परिवार है, उनके सुख दुख के लिए हम लोग हर समय हाजिर रहेंगे, उनको कोई कष्ट न हो इस बात के लिए हमारी जिम्मेदारी है और इस मामले में उन्हें पूरी तरह से न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार पर, योगी सरकार पर उन्हें पूरा विश्वास है कि वो आगे भी न्यायपूर्ण कार्रवाई करेंगे। आपको हम वो प्रतिक्रिया बता रहे हैं क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने TV9 से बातचीत करते हुए कहा था। लगातार इस प्रकार की हमारी जिम्मेदारी है, हम उत्तर प्रदेश में कानून का राज मेंटेन करेंगे और किसी भी अपराधी को खुलेआम घूमने की छूट नहीं है, हम कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। ब्रजेश जी, इसके अलावा जिस तरह से अतीक अहमद अब ये कहता हुआ खुद नजर आया कि हमें मिट्टी में मिला दिया गया है, अब हमें रगड़ा जा रहा है, आज उसके बेटे असद का एनकाउंटर भी हो गया, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बड़े बड़े अपराधियों माफियाओं के खिलाफ अगर कार्रवाई करनी है तो सरकार का इकबाल भी बहुत बुलंद चाहिए? हाँ जरूर, देखिए आपको अपनी जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा और पिछली सरकारों में समाजवादी पार्टी के सरकार में खासकर मैं कहना चाहता हूँ यही अपराधी पुष्पित पल्लवित हो रहे थे और सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच रही थी। हमारी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के प्रति है, हम उत्तर प्रदेश में कानून के राज को और मजबूत करेंगे और किसी भी गुंडे बदमाश माफिया को इस प्रकार की सड़क पर घूम करके अराजकता कानून तोड़ने की हिमाकत करने की छूट नहीं है। ब्रजेश जी, अब इस हत्याकांड में जो बाकी शूटर्स बचे हैं वो भी जल्दी अपने अंजाम तक पहुंचेंगे, ये आप कह सकते हैं क्या? हमारी पुलिस और एसटीएफ लगी हुई है और जैसे जैसे पकड़ में आते जाएंगे हम उन्हें कानून के तहत कड़ी सजा दिलाएंगे। ब्रजेश जी, पहली बार अतीक अहमद को व्यक्तिगत क्षति हुई है, सरकारें आती रही जाती रही लेकिन ये पहला मौका है। देखिए अपराध के मामले में व्यक्तिगत और सार्वजनिक क्षति का विषय नहीं है, हमारा स्टैंड है कि एक एक अपराधी को हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे और इसमें व्यक्तिगत रूप से कोई इस घटना को या व्यक्तिगत रूप से कोई एजेंडा ना समझा जाए। हमारा एजेंडा यह है कि उत्तर प्रदेश से अपराध समाप्त होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी। आखिरी सवाल, UPSTF की टीम जिसने इस पूरे ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए अभी पुलिस अच्छा काम कर रही है और जो हमारे जांबाज पुलिस कर्मी हैं हम लगातार उनका सम्मान करते रहते हैं और समय समय पर इनको पुरस्कृत भी किया जाता रहा है। ये भी कहा गया कि बहुत छोटी टीम थी एसटीएफ की लेकिन उसने ये इस कारनामे को अंजाम दिया। देखिए पुलिस का मनोबल उत्तर प्रदेश में इस समय हाई है और हर स्थिति में हमारी पुलिस जो कानून का राज मेंटेन करने में सफल हुई है, आज अपराधियों में खाकी वर्दी का भय है और पुलिस का इस्तकबाल कायम हुआ है प्रदेश में। क्या ये बहुत मुश्किल ऑपरेशन था ब्रजेश जी? मानते हैं आप थोड़ा समय भी लग गया, काफी दिन से ट्रैक हो रहा था, ये लोग बहुत दिनों से फरार थे और अपना मोबाइल और अपनी लोकेशन किसी भी प्रकार का कोई क्लू छोड़ नहीं रहे थे, लेकिन हमारी पुलिस सतर्कता के साथ आगे बढ़ रही थी और आज पुलिस को इनको धर दबोचने में काउंटर के बाद सफलता मिली जी। ब्रजेश जी, आपने जैसे बताया बहुत दिन से फरार थे, दिल्ली से लेकर कई लोकेशंस में गए और बता रहे हैं कि असद के कई जो मददगार हैं उन्होंने शरण दी थी, अब इस पर भी कुछ कार्रवाई होगी क्या, आगे पहचाना जाएगा इनको? देखिए कानून के उपबंधों में साफ 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 लिखा हुआ है कि अपराधियों को शरण देने वाले भी अपराधी की श्रेणी में ही माने जाते हैं और उस दिशा में भी लगातार पुलिस काम कर रही है।